संसदीय क्षेत्र रहा है और ना केवल संसदीय क्षेत्र, ये घर है चौधरी बंसीलाल चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के साथ। यहाँ पर अनगिनत परिवार, पूरा क्षेत्र ही जुड़ा रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है लोगों के बीच में जाकर। और लोग अपनी समस्याएं बताते हैं, बीजेपी से कितने पीड़ित हैं, चाहे किसान हो चाहे युवा हो। और ये इलाका वो है जहाँ पे बहुत ही स्वाभिमानी लोगों का इलाका है, ये फौज में रहकर यहाँ पे अपने प्राणों तक का बलिदान देते हैं किसान, अपनी बड़ी मेहनत खून पसीने की कमाई उससे मेहनत के साथ ज़मीन तैयार करता है, क्रॉप तैयार करता है अपना, और उसको कहीं भी सरकार में, चाहे अग्निवीर हो चाहे किसान की बात हो, वो सारी चीज़ें, और चाहे खिलाड़ियों की बात हो, सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है, कोई व्यवस्था नहीं किसी प्रकार की। ये तो अब बड़े लीडर्स के लेवल की बात है और इस पर मैं टिप्पणी करना मैं नहीं समझती कि मेरे लेवल की बात है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि कांग्रेस दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा मजबूती पकड़ती जा रही है। देखिए, वो हल्के भी हमारे प्रदेश का एक भाग हैं और बहुत अच्छी बात है कि वो आगे जाएं। हम चाहते हैं कि प्रगति और विकास सारी तरफ हो और भिवानी महेंद्रगढ़ पीछे किसी भी तरीके से, हमारा जो पार्लियामेंट्री मेरा जो क्षेत्र जो रहा है, ये किसी भी हालत में विकास के और प्रगति के मामले में पीछे ना रहे। इससे शर्मनाक बात तो मेरे ख्याल से हो नहीं सकती। और उनके बारे में कोई बीजेपी की कोई टिप्पणी तक नहीं आई और दूसरी तरफ राहुल जी की सदस्यता को रद्द करने में एक सेकंड लगाया, तो ये तो इनकी दादागिरी चल रही है और अब ये लोगों के पार्लियामेंट तक तो चल जाएगी, लेकिन जब लोगों के कोर्ट में अब जब ये आने वाले हैं तो अब इनको अच्छा जवाब मिलेगा। देखिए, वो अब अध्यक्ष हैं, अपना काम कर रहे हैं, अब जो भी उन्होंने कहा है वो उनका उनकी वो कर रहे हैं, मैं उनके बारे में क्या बोलूं। तो ये तो पुरानी बात है इन लोगों की, ये तो बोलते कुछ है करते कुछ है, और इनको भाग के वहाँ पे जाना पड़ा राजस्थान में। हरियाणा में तो लोगों को फेस नहीं कर सकते, आमना सामना नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो लोगों को आज भी किसान तराई मच रही है इनके खुद के जहाँ से ये चुने हुए हैं, तो यहाँ पे ये लोगों का सामना नहीं कर सकते, इसलिए उनको वहाँ पे जाना पड़ा। देखिए, हम तो सपोर्ट, कांग्रेस ने तो हमेशा इसको सपोर्ट किया है, सोनिया जी ने तो इस बिल को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, और लेकिन और राजीव जी ने इसको पायलट किया इस बिल को, लेकिन बात सच्चाई तो ये है कि पारित, दुख की बात है कि इन्होंने कहाँ किया है ये, इन्होंने तो ये कहा है कि हम जब तब करेंगे, जब ये कर लेंगे वो कर लेंगे, करे करके दिखाओ, किस बात के लिए आप सरकार में हो, करके दिखाइए, क्यों नहीं कर रहे, इसी चुनाव में आप करके दिखाइए, 33% महिलाओं को बीजेपी से पहले आप टिकट दीजिए। देखिए, कांग्रेस जैसे मैंने कहा बहुत मजबूत है, और जब लोग खड़े हो जाते हैं ना, लोगों का जब साथ मिलता है तो सारे नेता भी फिर सीधे होने लगते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है।